देखते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉलम हमने इसमें जो रेगुलर पार्ट देखा उसको पता ही होगा कि पॉलीनोमियल चल रहा है और एक्सरसाइज कौन सी है 2.5 और जो नए हैं उसके लिए अभी लिखते हैं। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 8ab+bq+12a²b+6ab²। देखो मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a²b+3ab²+bq। इसमें जो तुम लोगों के पास क्वेश्चन है वो क्या है कि बी क्यूब पहले है तो आप लोग इसे ऐसे कर दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b+3ab²। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में इसे फैक्टराइज करना है। सो ये हमने आइडेंटिटी यूजिंग करी, यूजिंग आइडेंटिटी। अगर इस पार्ट का देखूंगा तो a किसका क्यूब होता है 2 और a का होल क्यूब, ठीक है। इसे b क्यूब रख देते हैं, b क्यूब प्लस इसे देखेंगे 3 a कितना है 2a प्लस 3a²b और b कितना है b प्लस 3ac और b² प्लस b क्यूब क्या है हमारे पास a क्यूब प्लस ये हो गया इजीली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a²b+3ab² ये हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है आइडेंटिटी बनी a प्लस b का होल क्यूब और a प्लस b क्या होता है यहां पर a है हमारे पास 2a और b कितना है b 2a+b का होल क्यूब। अब आप लोग इसे क्या करोगे तीन बार लिख लीजिए भाई 2a+b 2a+b और 2a+b आंसर। हो सकता है भाई पहला क्वेश्चन एकदम से समझ में ना आया हो हमारे तो दूसरे वाले क्वेश्चन हमारे पास इजीली समझ में आ जाएंगे तो नोट कर लीजिए इसे।
फिर वही बात है, मुझे ए और बी कहां से पता लग रहे हैं, पहले दो टर्म से पता लग रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर मैंने पहले पता करा था, उसी तरीके से ये वाले हैं मुझे, ठीक है। सो ए कितना हो गया यहाँ पर 4a और बी कितना हो गया 3b का होल क्यूब, तो इस तीन वाले क्यूब में 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। क्वेश्चन करते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है 27 PQ, ये अच्छा है, माइनस 1/116 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p, ठीक है। अभी तक के पार्ट में सबसे अच्छा पार्ट है, कैसा पार्ट है सबसे अच्छा 27, पहले आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। देखो a यहां पर कितना है 27, तो इसे क्या कर लिया हमने 27 मतलब 3p का होल क्यूब, माइनस b कितना है 1/216, 216 किसका क्यूब है, वो है 6 का, 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 6 का है या 4 का है, 6 का है अभी, और 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3p का होल स्क्वायर, कहां से पता लगा, पहले टर्म से मल्टीप्लाई b, b कितना है 1/6, इन इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो 9/2 निकल कर आएगा, देखो 3 2 6, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 बचा और b स्क्वायर का b स्क्वायर हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3a as it is है तो a कितना है 3b, b कितना b स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर, इनका सॉल्यूशन करोगे तो 1/4 ही निकल कर आएगा, देख लेते हैं क्या पता निकल कर आया नहीं है, 6 का स्क्वायर 36, 3 से 36 कितने बार में कटेगा 12 टाइम्स, तो 3 1 3 3 4 12, 1/4 और p एज इट इज आ गया p 8 तक, ये किसके बराबर होगा a माइनस b का होल क्यूब, a कितना है हमारे पास यहां से पता लगा है 3p और b कितना है 1/6 होल क्यूब, अब क्या करना है इसे तीन बार में कर बस लेफ्ट राइट साइड, तो a माइनस b का होल क्यूब के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट करूंगा इसका, x क्यूब माइनस y क्यूब, x माइनस y, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, देखो इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, आपको अब इसमें कोई वो नहीं है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसी मेथड से करो वेरीफाई, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे यहां पर कोई यूज करो आइडेंटिटी, चाहे यहां पर कोई यूज करो, आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सवाल ये होगा हम लोगों ने आइडेंटिटी सी रख दी a क्यूब माइनस b क्यूब की, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसमें क्या आइडेंटिटी पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिखाई गई थी, अब जिसने नहीं सीखी तो वो यहां से उसे याद कर ले, ठीक है, अब याद अगर करके ली तो कई बार काम में भी आ जाती है, इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मुझे दिख रहा है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आइडेंटिटी वर्क करेगी, लेकिन आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीख लेते हैं किस टाइप से आइडेंटिटी सॉल्व होगी, ठीक है, तो मैंने क्या कहा राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड है मेरे पास x माइनस y, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, ये दो ब्रैकेट्स हैं इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करनी, इट मींस ये वाले नंबर की मल्टीप्लाई हर एक पार्ट से करनी है, और इसी तरीके से इस नंबर की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से करनी, हर एक पार्ट से करनी, तो जब मैं x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो हो जाएगा x क्यूब प्लस x की मल्टीप्लाई xy से करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर y, फिर हम लोग इसकी इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा x y का स्क्वायर, देखो बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट, x स्क्वायर y एंड xy स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है, अब y की करो
y की x से करोगे तो ये जो माइनस का साइन है सारे अंदर के साइन बदल देगा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया फिर y की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस y की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा y क्यूब। अब जो टर्म्स कट रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए और दूसरी आइडेंटिटी जब आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, वो भी बहुत ईजी है, माइनस का ध्यान रखना, यानी कि इससे पहले वाला क्वेश्चन x square y पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव होनी है, x square y ये नेगेटिव हो गया, x y square ये हो गया खत्म, तो क्या बचा x cube और वहाँ पे क्या बचा minus y cube, तो यही तो हमारा right hand side, तो left hand side is equal to right hand side, verify, ठीक है, तो इस तरह से verify था। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि इसको कोई एक पार्ट करके दिखा दूँ, tan का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने ये माइनस वाली आइडेंटिटी कर करा, तो अब मैं प्लस वाली आइडेंटिटी कर रहा हूँ। इसमें हिंट भी दे रखी है इसी क्वेश्चन में हमने आई कि फर्स्ट पार्ट क्या है 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब, सिर्फ देखना होता है 27 किसका क्यूब होता है 3 y का, यानी कि 3 y का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे, प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का और यहाँ पर क्या है z, तो z का होल क्यूब। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं सी क्वेश्चन नंबर 9, तो x क्यूब प्लस y क्यूब किसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, एक बार प्लस में लिखो इसे और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y क्यूब कुछ इस टाइप से लिखना है, तो ये आइडेंटिटी है हमने यहां लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी, x प्लस y मतलब x ये है और y ये है, पहले से ये y लिख रहा है लेकिन ये पहला टर्म x है, ये भी पहला टर्म x है, तो x कितना है 3y plus y कितना है 5z और इसी तरीके से x square means 3y का whole square minus 3y into 5z plus 5z का whole cube, sorry नहीं ये cube है नहीं square, ठीक है square लगते हैं, so 3y plus 5z in bracket 3 का square 9y square minus 3y is 15yz और plus 5 का square 25z square, और आप लोग इसका second part करेंगे, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं, next वीडियो में आपको question number 11, 12 और 13 हो सके तो पूरी exercise पूरी करने की कोशिश करें, ठीक है, thank you and subscribe।